प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं करक, वृषभ और सिंह राशि के धन प्राप्ति के उपायों के बारे में। वीडियो काफी रोचक रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम इस वीडियो में खास तौर से करक, वृषभ और सिंह, इन तीन राशियों के बारे में जानेंगे जिन्हें धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए विशेष उपाय हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले हम वृषभ राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को सुचारू रूप से धनागमन हो इसके लिए शनिवार का व्रत करें और हनुमान जी की उपासना करें। इन राशि वालों को धनागमन होने के पश्चात भी धन संचय से समस्या आ रही हो तो गणेश मंदिर में जाकर उनको दर्शन करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस राशि वालों पर भारी कर्ज हो गया हो तो उन्हें माँ लक्ष्मी की हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए। इन राशि वालों को रोजगार प्राप्ति नहीं होने के कारण आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा हो तो माँ काली की पूजा उपासना करनी चाहिए। इन राशि वाला जातकों को अकस्मात होने वाले व्यय से बचने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करना चाहिए। आप हमेशा अगर हनुमान जी का पाठ करते हैं तो बेवजह का जो कर्ज है, अकस्मात जो कर्ज है, मतलब अचानक आ जाता है, बिना बताएं जो चीज़ हो जाती है वो आपके साथ कभी नहीं होगी और सब कुछ मंगल में धीरे धीरे होने लगेगा। सारे जो कष्ट परेशानियां हैं वो दूर होंगी, धन की बरकत होगी। अगली राशि की बात करें तो वो डिस्प्ले के ऊपर आप करक को देख रहे हो। इस राशि वाले व्यक्तियों को धन प्राप्ति के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन बेसन से बने पदार्थ ग्रहण करें, यह प्रयोग 21 गुरुवार तक करना शुभ रहता है। धनागमन होने के बाद भी धन संचय से समस्याएं आ रही हों तो प्रातःकाल नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, नित्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इन व्यक्तियों को कर्ज संबंधी समस्या से परेशान होना पड़ रहा हो तो नित्य गोपालस्त्रम स्रोत का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। साथ ही साथ में इन व्यक्तियों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो उन्हें मंगलवार की रात्रि में तब तक सुंदरकांड पाठ करने चाहिए जब तक उत्तम रोजगार प्राप्त ना हो, मतलब तब तक इन्हें पाठ करते रहना चाहिए जब तक रोजगार प्राप्ति ना हो। और साथ ही साथ में जितने कार्य ये करते हैं अपने नित्य दिन में उन्हें दैनिक रूप से करते रहें और साथ ही साथ में 21 गुरुवार तक इन्हें करना शुभ माना जाता है। धनागमन हो गया है, धन संचय नहीं हो रहा है तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और घर की परेशानियाँ जो हैं वो भी दूर होंगी। साथ ही साथ में धन की जो बरकत है वो करक राशि वालों को काफ़ी होगी, सारी परेशानियाँ दूर होंगी। अंतिम राशि सिंह है। सिंह की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों को धन प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन मीठी चपाती बनाकर अपने हाथ से गाय को खिलाएं। यदि धनागमन होने के पश्चात भी धन संचय में समस्या आती है तो उन्हें बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने चाहिए तथा उनको मोदक नवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। यदि कर्ज से परेशान हो तो उन्हें भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर उनके दर्शन करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण परेशान हैं तो उन्हें माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ में आप सूक्त का पाठ करें तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। हर एक तरीके से आपकी जो कष्ट है, परेशानियाँ हैं, वो आपकी दूर होंगी। सिंह राशि वालों के लिए यह खास तौर से अच्छे उपाय हैं। अगर वह नित्य प्रतिदिन इन्हें करते हैं तो उनकी काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी, जैसे विवाह को लेकर परेशान है, व्यापार को लेकर परेशान है, नौकरी में तरक्की है, भाग्य उदय है, अंक है, ग्रह क्लेश से मुक्ति है, कुंडली विश्लेषण है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले के ऊपर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर से होगी एक नए वीडियो में ऐसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन